बचपन में कुछ ऐसे दिन होते थे जब घर में काले छोले बनते थे। अगर वो काले छोले ग्रेवी में बने तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन वही काले छोले अगर हल्के से घी में थोड़े मसालों के साथ छौंके जाएं तो पूड़ी के साथ उसका मजा डबल हो जाता था। बनाते हैं काले चने के कबाब। थोड़े से घी में मैं डालूंगा थोड़ी सी चॉप हरी मिर्च। ये चॉप हरी मिर्च का जो फ्रेश फ्लेवर होता है किसी भी कबाब को एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ ही मैं डालूंगा थोड़ी सी जिंजर गार्लिक की पेस्ट। इसके साथ मैं डालूंगा थोड़ी सी हींग। थोड़ा सा धनिया का पाउडर। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा चना मसाला पाउडर। नमक। और अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और इसी में हम काले चने को थोड़ी देर पका लेंगे। काले चने जो होते हैं वो बहुत स्टार्ची होते हैं लेकिन बाहर से कड़क होते हैं, इसलिए बहुत आसानी से उसके अंदर फ्लेवर नहीं जाता। अब इसी मिक्सचर में काले चने को थोड़ी देर पका लेंगे ताकि ये सारे जो बढ़िया फ्लेवर्स हैं ये सब काले चने के साथ मिक्स हो जाएं, अच्छी तरह से रल मिल जाएं और फिर जो कबाब में फ्लेवर आएगा बहुत मज़ेदार होगा। काले चने का जो मिक्सचर हमने बनाया था उसको हमने थोड़ा सा ठंडा किया और उसके बाद एक मिक्सी में अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया। अब इसके बनाएंगे हम कबाब। लेकिन कबाब बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। जो ये काले चने होते हैं इनका जब आप कभी भी चने के साथ काम करेंगे बहुत ड्राई हो जाता है इनका मिक्सचर। अब उसको मॉइस्ट करने के लिए आप पानी तो नहीं डाल सकते, लेकिन कबाब की मॉइस्टनेस या तो आएगी पनीर से या थोड़े मावे से। अगर दोनों मिल जाएं तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया कबाब बनेगा। इसलिए मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर और साथ ही मैं डालूंगा थोड़ा सा मावा। अब इसमें हमने बाकी सब चीज तो डाल दी थी, सिर्फ दो चीज बाकी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नमक, वो मैंने इसलिए लास्ट में डाला है ताकि नमक का कभी भी बैलेंस खराब ना हो जाए। मुझे इसमें पनीर डालना था, मावा डालना था। अब मैं जब नमक डालूंगा तो मुझे पता रहेगा कि पनीर की और जो मावे की मिठास है उसके लिए कितना नमक काफी। चने के साथ पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, तो इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा चॉप पुदीना जो कि इसको बहुत फ्रेश फ्लेवर देगा और इस कबाब को एक बड़ा डिस्टिंक्ट नोट देगा। चॉप मिंट कबाब के अंदर। और अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि पनीर, मावा, चना, मिंट, नमक ये सब एक हो जाएं। इसके बाद इसकी फटाफट हमें टिक्की बनानी है और आपको टेस्ट करानी है। ये नई ब्यूटीफुल रेसिपी आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ये कबाब अब बिल्कुल तैयार है कबाब बनने के लिए और फ्राई होने के लिए। इसको मैं टिक्की का फॉर्म दूंगा, आप चाहें तो कोई भी फॉर्म में बना सकते हैं, पर कभी भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना एक अच्छी डिश को सही नहीं होता। फटाफट बनाइए और इसको सर्व करते हैं। ये टिक्की बिल्कुल तैयार है, अब इसे हम घी में फ्राई करेंगे बिल्कुल क्रिस्प होने तक। काला चना जो है जब वो फ्राई होता है एकदम क्रिस्प हो जाता है, मजेदार हो जाता है, करारा हो जाता है। एक नॉन स्टिक पैन में इस टिक्की को आप शैलो फ्राई करें और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा घी डालना है, थोड़ा सा घी डाल के ताकि घी के फ्लेवर में जो चना क्रिस्प होगा उसका मज़ा ही कुछ और होगा। बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट। इसके साथ मैं दूंगा एक हंग योगर्ट यानी कि दही की चटनी जिसमें सिर्फ सिंपल नमक, मिर्च और पुदीना यानी कि थोड़ा सा थिक पुदीना रायता। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी मिंट और ग्रीन चिली को मैं चॉप कर लूँगा।
इस मिंट और ग्रीन चिली के मिक्सचर को अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए, फाइन चॉप कर लीजिए, ताकि जब ये दही में मिक्स होगा तो एक अच्छा फ्लेवर, फ्रेश फ्लेवर देगा और इस कबाब के साथ बहुत ही बढ़िया जिंग देगा। अब इसी बंधे हुए दही में मैं चॉप्ड हरी मिर्च और चॉप मिंट डालूंगा और साथ ही डालूंगा थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जो इसको एक अच्छा कलर भी देगी। मिर्च तो इसमें ऑलरेडी है, लेकिन एक बढ़िया हल्का सा पिंक कलर, साथ में हरियाली, बढ़िया बंधा हुआ दही, टेस्टी कबाब, कॉम्बिनेशन आर गोइंग टू बी वेरी नाइस। कबाब एकदम क्रिस्प हो चुके हैं, बाहर से एक परत आ गई है इसकी लाइट ब्राउन। अब ये खाने के लिए और परोसने के लिए बिल्कुल तैयार है। बेसिक काले चने को एक कबाब का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर इनोवेशन नहीं लगाएंगे तो काले चने की तरी वाली सब्जी ही बनती रहेगी या फिर छोंके काले चने ही बनते रहेंगे। काले चने के कबाब बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में आधा बड़ा चम्मच घी गरम करें। उसमें डालें एक छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, हींग, धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चना मसाला पाउडर, नमक और अच्छे से भिगो लें। फिर डालें थोड़ा पानी, मिलाए और अच्छे से भूने। अब डालें काले चने और अच्छे से मिलाए और 2 से 3 मिनट तक पका लें। फिर आँच से हटाए ठंडा करें। एक दरदरे मिश्रण में पीस कर एक बोल में रखें। अब डालें पनीर, मावा और नमक। 8 से 10 पुदीने के पत्ते काटे और डालकर अच्छे से मिलाए। फिर इस मिश्रण को समान हिस्सों में बांटे और उन्हें कबाब का आकार दे। अब एक नॉनस्टिक पैन में घी गरम करें और उस पर कबाब रखकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई करें। हंग योगर्ट डिप बनाने के लिए वर्कटॉप पर बचे हुए पुदीने के पत्ते और बची हुई कटी हरी मिर्च के साथ रखकर बारीक काट ले। फिर एक बोल में दही का चक्का ले और उन्हें अच्छे से फेंट ले। फिर इसमें डाले बारीक कटी हुई मिर्च, पुदीना, बची हुई लाल मिर्च पाउडर, नमक और अच्छे से मिलाए। फिर कबाब को एक सर्विंग प्लेटर पर रखे। ऊपर रखे बनाया हुआ डिप धनिया के पत्तों से और पुदीने के पत्तों से सजाकर तुरंत परोसे।